सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइयो बच्चे होंगे, मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने पहली बार आप सभी को डे वन से आपको अपडेट दिए हैं दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के। आज पहली बार आप सभी को अपडेट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों मेरठ मेट्रो का, तो बने रहो एंड तक। ये है गाजियाबाद RRTS के स्टेशन, बैठेंगे रैपिड रेल में, फिर आप लोगों को दिखाएंगे, चलेंगे दुहाई के लिए और वहाँ पर मेरठ मेट्रो आई हुई है और ये जा रही है दोस्तों दही दित्तल मेट्रो स्टेशन। और ये है दोस्तों क्या टिकट वेंडिंग मशीन, और इसमें से टिकट निकलती है अगर आप खिड़की से नहीं लेते हैं। और ये हैं सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स, जो 82 किलोमीटर का रूट है उसमें अंडरग्राउंड भी हैं और एलिवेटेड भी, सारे स्टेशन हैं। और ये आ चुकी है रैपिड रेल और इसमें से हम बैठ कर चलेंगे दोस्तों दुहाई RRTS स्टेशन के डिपो के अंदर, और आपको दिखाएंगे चल के वहाँ पर कैसी आई है मेरठ मेट्रो, उसमें क्या क्या फ्यूचर्स मिलने वाले हैं आप सभी को। तो अब पहले तो आप सभी एक चीज़ और देख लो कि ये रैपिड रेल है जिसका जो वैसा वाला डब्बा है बिल्कुल सेम सीट है जो जिसमें यहाँ पर है, ये ही मेरठ मेट्रो के अंदर है। बस फर्क इसमें इस चीज़ का है, एक तो उसका डिजाइन थोड़ा येल्लो कलर का कर दिया है, जो पट्टियाँ लगाई गई हैं येल्लो कलर की और उस पर मेरठ मेट्रो लिखा गया है। दूसरी बात, बिल्कुल सेम टू सेम रैपिड रेल जैसी ही मेरठ मेट्रो है दोस्तों, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस फर्क है तो ये 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है और वो 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी, बस फर्क इतना ही है, बाकी बिल्कुल सेम है। जो इसके लगेज रखने के लिए जो कैबिन दे रखे हैं वो भी बिल्कुल सेम है, पकड़ने के लिए भी बिल्कुल सेम है, नीचे जहाँ ये चेयर्स हैं जो लगी हुई हैं इन पर भी पकड़ने के लिए है और ऊपर से भी पकड़ने के लिए है, बस यही है और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और जो इसका प्रीमियम क्लास है उसमें देखो ये खाने पीने की वेंडिंग मशीन भी लगाई गई है देखने के लिए मिलेगा। देखो ये वाली सीटें भी बहुत अच्छी हैं, मतलब कि गुदगुदी सीटें हैं, गद्देदार सीटें बनाई गई हैं रैपिड रेल की भी और मेरठ मेट्रो की भी। जैसी सीटें यहाँ देखने के लिए मिलेंगी इसमें रैपिड रेल में, और वही सीटें मेरठ मेट्रो में भी देखने के लिए बिल्कुल सेम टू सेम बनाई गई है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस फर्क है तो वो 20 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलेगी और रैपिड रेल दोस्तों 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। तो ये स्टेशन आ चुका है दोस्तों कौन सा, गुलढर, और उसके बाद में आएगा दुहाई RRTS का स्टेशन, वहाँ उतरेंगे, उसके बाद में चलेंगे दोस्तों दुहाई RRTS के स्टेशन से लेकर और कहाँ पे, डिपो के अंदर। तो हम आ चुके हैं अभी डिपो के अंदर और देखने के लिए मिलेगी आप सभी को मेरठ मेट्रो। अब आप लोग देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, जो इसके दरवाजे भी हैं वो भी येल्लो कलर के किए गए हैं और जो इस पर पट्टी लगाई गई है एक तो रेड कलर की है दूसरी येल्लो कलर की है, बस इसमें यही है और इसमें मेरठ मेट्रो भी लिखा हुआ है। और ये आ चुकी है डिपो के अंदर, यानी कि टीन शेड के अंदर खड़ी हुई है इसकी। यहाँ पर इस सभी देखो कि किस तरीके से यहाँ पर ये सारी मीडिया की चेयर लगाई गई हैं और उनके लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम कर किया गया है NCRTC द्वारा दोस्तों, जो हमारे यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं MD सर, उनका नाम है दोस्तों सलभ गोयल जी, उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया है मीडिया के लिए ही। तो देखो ये पोस्टर लगाए गए हैं किस तरीके से ये चलेगी, ये 3D पेंटिंग है जो कि इसमें दिखाई जा रही है। तो यही है सारा फ्यूचर्स, और इसमें आप लोगों को बता दूं कि 700 पैसेंजर ट्रेवल कर सकते हैं इन तीन डिब्बों के अंदर, 700 पैसेंजर की कैपेसिटी है इस मेट्रो मेरठ मेट्रो में।
तो मैंने सोचा क्यों ना दिखाया जाए और बताया जाए। आप सभी को पहली बार मौका दिया गया है, आपके केपी संत को भी बुलाया गया था, तो आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और चलते हैं, और सर से भी आप लोगों की बात करवाएंगे, सर क्या बता रहे हैं तो दिखाएंगे और बताएंगे चल के आप सभी को। पहले तो ये देख लो कि जो तीन साइड का जो हॉल है उसमें देखो ये मेरठ मेट्रो खड़ी हुई है, और उसके क्या क्या फ्यूचर्स हैं, अभी खोली जाएगी और जैसे ही खुल जाएगी वैसे ही आप लोगों को दिखाते हैं चल के। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। तो देख सकते हो ये हम आ चुके हैं अंदर, एंटर हो चुके हैं, और अब आप लोग देखो कि अभी हम रैपिड रेल में दिखा रहे थे आप सभी को, और अब ये मेरठ मेट्रो में देख लो इसमें क्या क्या फ्यूचर्स दिए गए हैं। देखो आप लोग, ये है ड्राइवर केबिन, इसमें दिखाएंगे क्या क्या फ्यूचर्स हैं, किससे क्या होता है वो आप लोग देख लो कि यहाँ से ये ड्राइवर हैंडल करेगा इस मेरठ मेट्रो को। इसमें देखो ये ब्रेक का बटन है राइट वाला, और लेफ्ट वाला स्पीड का है। तो ये इसमें देखो ये बात करने के लिए भी फोन भी दिए गए हैं, और देखो ये सामने कैमरेस भी लगे हैं, राइट हैंड वाली जो स्क्रीन चमक रही है ये सारे कैमरे हैं जो ड्राइवर यहाँ से देख सकता है और यहीं से खोल सकता है, बंद कर सकता है, सारा यहीं से होगा। तो देख लो कुछ ऐसा है ड्राइवर केबिन होता है, कैसा दिखाई देता है आप लोगों को देखने के लिए। ये है मेट्रो का ड्राइवर केबिन, पूरा केबिन है, और इसका मैं एक एक फ्यूचर्स आप लोगों को बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। आप कुछ दिनों का इंतजार करो, जब आप अगला अपडेट आप लोगों को केपी संत के चैनल पर देखने के लिए मिलेगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखो ये लगाए गए हैं यूएसबी चार्जर, डबल डबल है हर जगह, मतलब दो सीटें हैं, दोनों सीटों के बीच में यूएसबी चार्जर भी लगाए गए हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो अपने गैजेट्स को चार्ज करने में। तो देखो ये रैक दिए गए हैं क्या बैग रखने के लिए, अपना सामान रखने के लिए, और ये पकड़ने के लिए ग्रिप दी हुई है, यहाँ पर लगाए गए हैं, यही है देखो, और स्क्रीन भी है इसमें। अब देखो ये पुश बटन है, देखो ये अगर जैसा आप लोगों को उतरना है तो आप ये प्रेस करोगे तो ये खुल जाएगा, लेकिन उससे पहले नहीं कर सकते। देखो आप ये सीटें देख सकते हो आप लोग, और रैपिड रेल की भी सीटें देख सकते हो, बिल्कुल ज्यों का त्यों है, बाकी कोई फर्क नहीं है, बाकी सब सेम है। बस ये है कि ये 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाली है, और वो दोस्तों 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी, पर यही फ़र्क है। और बाकी आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं एमडी सर से, वो चलो आगे मिलेंगे और आप लोगों को उनसे ही इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और फिर आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन पर जा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। अब देखो जितने भी इसमें जनता आप लोगों को दिखाई दे रही है ये सारे मीडिया से ही हैं, सारे के सारे मीडिया से ही हैं, बाकी NCERTC के लोग हैं देखने वाले। ऐतिहासिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरठ ऐतिहासिक शहर रहा है, हम सबको पता है, और इसमें जो RRTS एंड मेट्रो का जो हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया है उसको मैं ऐतिहासिक शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भारत में पहली बार होने वाला है जहाँ की सेम ट्रैक पर, सेम रेलवे स्टेशन पर, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पर RRTS की गाड़ी भी, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, और मेट्रो की गाड़ी, दोनों गाड़ी हमारी चलने वाली है। इस कारण से एक ऐतिहासिक पहरा लेंस जो है इसको बोलेंगे बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव होने वाला है भारत। सर एक सवाल ये था कि नमो भारत जब चली थी ये हुआ था कि इसको रात के समय हम कमर्शियल के लिए यूज करेंगे, क्या उसमें कुछ विचार हो रहा है? नहीं हुआ, नहीं, देखिए विचार बहुत सारे अभी चल रहे हैं एंड उस पर जो है हम लोग कैसे आगे करेंगे उस पर उसकी सोच आगे अभी जारी है, देखिए कैसे होता है, क्योंकि रात के समय में हमें ट्रैक का मेंटेनेंस, ओएची का मेंटेनेंस, इन गाड़ियों का मेंटेनेंस भी करना है, तो मेंटेनेंस का समय तो वही है क्योंकि सुबह 6 से रात के 10 बजे तक हमारी गाड़ी चलनी है, तो मेंटेनेंस भी करना है, कमर्शियल एक्टिविटीज भी करनी है, तो सारी चीज़ों का तालमेल बिठाते हुए उस पर सोच आगे चल रहा है। देखिए आगे सोच चल रही है। सिक्योरिटी के हिसाब से आप देखिए कि जैसे AFC गेट्स हैं उसमें कोई भी आसानी से नहीं
हो सकता है। और पूरा हम लोगों ने यूपी जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है उनके फोर्सेज यहाँ पे आपको स्टेशन पे जगह जगह आपको दिखते होंगे, उनके साथ हम लोगों का एक MOU हुआ है जिसमें हमें हमेशा यूपी पुलिस की ओर से स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के जवान आपको हमेशा तैनात मिलेंगे। AFC गेट से कैमराज लगाए गए हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम है जिसमें सिक्योरिटी कंट्रोल रूम लगातार 24 घंटे हमारा मैन रहता है और उसमें लोग बाग उसको हमारे जो पुलिस फोर्सेज हैं यूपी पुलिस फोर्स उसको देखता रहता है, अपनी जो है बिल्कुल पैनी नज़र उन पे लगाए रहते हैं। इस कारण से सिक्योरिटी के विशेष प्रबंध यहाँ पर किए सर। देखिए मेरठ मेट्रो की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं और हमारे साथ सलभ गोयल जी हैं बात करने के लिए। सर सबसे पहले मेट्रो की क्या खास बात है? खास बात सबसे पहली बात ये है और सेम स्टेशन पे हमारे दोनों सिस्टम्स हमारे चलेंगे और जिससे पब्लिक को बहुत फायदा होगा इस मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन का। अच्छा एक सवाल ये है कि इसमें कितने यात्री सफर कर पाएंगे और क्या कुछ क्राइटेरिया है इसमें, क्या है टिकट का क्या है सब बताइए। इसमें ऐसा है कि सीटिंग कैपेसिटी करीब करीब Thank you.